नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला 99। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र सिरहा जिला में अवस्थित वार्ड नंबर 12 में सारसरनाथ महादेव के ठीक बगल में राधा कृष्ण मंदिर का स्थापना हुआ था और उस स्थापना में आज राधा कृष्ण भगवान का प्राण प्रतिष्ठान हुआ है। यह प्राण प्रतिष्ठान इन्हीं के द्वारा किया गया है। सर, अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या हुआ? श्री लक्ष्मण शाह सूरी। कहाँ घर हुआ आपका? सिरहा नपा 12 सारसर। आपके कैसे मन में प्रेरणा हुआ कि यहाँ मंदिर का निर्माण हम करें? ये मेरा माता पिता का संकल्प था, है ना, हमारे जीवित में एक मंदिर बना दो। उन्होंने प्रस्ताव रखा था, इसलिए हम तीनों भाई मिलकर बनाए। आपका क्या नाम हुआ मैडम? निर्मला शाह। आज आपके पूर्वजों यदि ससुर के इच्छा के अनुकूल में आपके हस्बैंड, आपके परिवार के आदमी लोग राधा कृष्ण मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान किए हैं, उसमें आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है। उनको बाल बच्चा भी और गांव समाज का भी सभी खुशी है। सभी के कल्याण के लिए आपने ये राम मंदिर का निर्माण किया है। आप हमारे स्टार मिथिला 99 से बात करने के लिए धन्यवाद। समस्त नगरवासी के उसमें जो है ना सुपुर्द कर रहे हैं और जो है ना हम अपना सब दिन तक पूजा पाठ करते रहेंगे। धर्म प्रति आस्था है, लेकिन उन लोगों को भी ना इससे कल्याण हो, इसलिए हम धन्यवाद। पूरा हो गया, हम भी धन है, समाज भी धन है। अभी इस मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठान किए हैं वो पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंडित पशुपति ठाकुर, ग्राम सारसर सिरहा नगर पालिका वार्ड नंबर 12। आप इसे राधा कृष्ण मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान किए हैं अपने जजमान के द्वारा, आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? मुझे तो ऐसा फीलिंग हो रहा है, जब तक ये मंदिर रहेगा, ये दाता अमर रहेंगे और इनके साथ साथ मेरा भी नाम जुड़ा रहेगा, अभी भी और बाद में भी। इसीलिए मुझे अपार हर्ष है। जैसे काठमांडू शहर में मंदिर को शहर कहा जाता है, वैसे ही हमारे गांव में मंदिर की कमी नहीं है। जहाँ तहाँ मंदिर विराजमान है, उनमें एक राधा कृष्ण मंदिर और जगह पर तरह तरह के मंदिर हैं। मैं बहुत खुश हूँ और इन महाजन के प्रति मैं आभारी हूँ कि हमारे समाज को उन्होंने ऐसा उपहार दिया है कि लोग यहाँ बाबा का दर्शन करेंगे और यहाँ का राधा कृष्ण का नमन करेंगे, स्तुति करेंगे, गान करेंगे। और वर्ष में जो उत्सव होता रहेगा कृष्णाष्टमी को, ईद के लिए मैं प्रेरित करता रहूँगा। आप सनातन धर्म प्रेमियों को इस राधा कृष्ण जो प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे धर्म में, ये हमारा हिंदू धर्म जो है बहुत प्राचीन धर्म है, आदिकाल का धर्म है, और इस सभ्यता से हम जुड़े हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, ये सब जो है पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुई तब से ही ये निरंतर चला आ रहा है, उसी का मैं अनुयायी हूँ। मैं उसी के अनुसार इन धर्म प्रेमियों को कहता हूँ कि अब राधा कृष्ण के शरण में आप लोग आ जाइए और उनकी भक्ति भावना में अपने जीवन को समर्पित कीजिए। धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे चैनल से बात करने के लिए। अभी हम इस मंदिर निर्माण के जो सदस्य हैं उनके परिवार से हम बात करते हैं। भैया, आपका नाम क्या हुआ? शत्रुघ्न शास्त्री। शत्रुघ्न जी, आप तो राजनीतिक और सामाजिक से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक स्तर पर समाज में बहुत सारे आपने काम किया है, और आपके परिवार के द्वारा आज राधा कृष्ण मंदिर, ये सारसर नाथ महादेव मंदिर के ठीक बगल में जो स्थापना किया गया है, तो आपके द्वारा क्या कहना है? देखिए, हमारे माता पिताजी का इच्छा था कि हम एक तो सारसर में मंदिर बना दें राधा कृष्ण जी का, तो हम तीनों भाई मिल के उनका इच्छा पूरा कर दिया। आज से इस मंदिर को, यही आपके तीनों भाई है? चलिए आपके तीनों भाई को इस मंदिर निर्माण के लिए हमारे चैनल के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इसी तरह समाज में हर एक सनातन धर्मियों को इच्छा हो जो मंदिर के निर्माण करे, गरीब का सेवा करे और सोशल वर्क से जुड़े हुए। भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लाल बाबू सर। आपके पापा, आपके सब भाई मिलकर जो मंदिर का निर्माण किया है, आप भी कुछ अपने बारे में बताइए। मैं तो पूरा खुश है, मंदिर बना के गांव में
समाज सेवा भी हुआ है, धर्म प्रति सबको आस्था जगा है। आज कलश यात्रा में भी एकदम पूर्ण सहयोग हुआ है पूरे समाज से भी। हमारे माता पिता जी का इच्छा था, जी का इच्छा से वो पूरा हुआ है। मंदिर का पूर्ण भगवान का भी प्रधान प्रतिष्ठा हो गया आज। आज हम लोग भी धन्य हो गए, गांव का समाज भी धन्य हो गया है ना। और यही हम लोग दस कमाने के लिए बनाए हैं। चलिए, आपने इस यहाँ एक मंदिर का निर्माण किए और आज ही के दिन मध्य प्रदेश में कली महाराज का मंदिर का भी आज शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और नेपाल में आज सारसरनाथ महादेव मंदिर के ठीक बगल में आप राधा कृष्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किए हैं। इसके लेकर हमारे चैनल आपको धन्यवाद ज्ञापन करता है। धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? आपके बच्चे लोग आज आपकी इच्छा के अनुकूल सारसर मंदिर के बगल में राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण किया है, आपको कैसा अनुभवी हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत खुश है। बोले ना।